हेलो दोस्तों, अगर आपकी मंथली इनकम यानी कि मंथली सैलरी 45,000 है तो आपको कितने रुपए तक का मैक्सिमम पर्सनल लोन मिल सकता है, और उसी के चलते अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको कितना रुपए का होम लोन मिल सकता है। अगर आप पर्सनल लोन और होम लोन दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, इन सारे बातों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 45,000 वालों सैलरी वालों को पर्सनल लोन कितना मिलता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके साथ साथ हम होम लोन के बारे में बात करेंगे, और अगर आपने पहले से एक पर्सनल लोन लिया है तो आपको कितना रुपए का होम लोन मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप अगर मान लीजिए एक होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन को आसानी से किससे चुकता कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर के मदद से कि आपको कितना रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट माई मंथली इनकम। यहाँ पे क्योंकि हमने 45,000 का कैलकुलेशन करना है तो हम इसको 45,000 कर देंगे। अब मान लीजिए आपको 45,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों माई करंट एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और ईएमआई। इसका मतलब आपकी अगर आपका पहले कोई लोन चल रहा है और उसका ईएमआई अगर आप हर महीने पे कर रहे हैं तो उसका वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके नाम पे कोई भी ईएमआई नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, 45,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपको मिल सकता है 5,40,000 रुपये तक का पर्सनल लोन। तो दोस्तों, अब ये 5,40,000 को आप चाहें तो एक साल, दो साल, डेढ़ साल, तीन साल, चार साल, यानी कि पाँच साल, इतना तक अवधि में ले सकते हैं। अब दोस्तों, एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आप 5,00,000 रुपए का तक का लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी। अब दोस्तों, हम आ गए हैं पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे दोस्तों आपका जो लोन रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 5,40,000 था, हमने यहाँ पे 5,00,000 डाल दिया है। अब 5,00,000 रुपए का लोन ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा आता है तो हम इसको लगभग 15% डाल देते हैं। अब 5,00,000 का पर्सनल लोन 15% के ब्याज के हिसाब से ले रहे हैं, और ये ईयर टेन्योर आप कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 5 साल, 4 साल, 3 साल, कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो हम इसको रफली 3 साल कर देते हैं। यानी कि अब कंडीशन हो गया दोस्तों, आप ले रहे हैं 5,00,000 का पर्सनल लोन 15% ब्याज के हिसाब से 3 साल के लिए, तो यहाँ पे आपकी ईएमआई आ जाएगी दोस्तों 17,333 रुपीज़। अब दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको प्री क्लोज़र भी कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने इसका ईएमआई पे किया एक साल तक, एक साल के बाद आप पूरा का पूरा लोन को चुका दे रहे हैं। अब एक साल के बाद आपका जितना भी आपका बैलेंस अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 3 से 4% का आपको पेनल्टी गिरेगा, जिसको हम प्री पेमेंट पेनल्टी बोलते हैं, और आपका लोन चुक जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक बारी हम होम लोन के ऊपर कि 45,000 के अगर आपका सैलरी है तो उस केस में होम लोन कितना मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम अपना सैलरी डाल देंगे, तो सैलरी के जगह पे हम देखिए 45,000 कर देते हैं। टेन्योर यानी कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, 30 साल, 25 साल, 20 साल, कितने टाइम के लिए। मान लीजिए आप 45,000, आप मान लीजिए दोस्तों आपकी सैलरी है 45,000, पर आप जो लोन लेते हैं वो लेंगे दोस्तों, आप मान लीजिए 25 साल के लिए लेंगे। अब इसका इंटरेस्ट रेट लगभग वो 9% के आसपास आता है, तो मान लीजिए हम इसको 9.0 कर देते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, बहुत अच्छा है, 800 से ऊपर, तो ये 8.6% के आसपास भी आपको मिल जाता है। अब अगर आपने जब ये होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम अगर आपका कोई अलग ईएमआई कट रहा है तो यहाँ पे उसका वैल्यू डाल देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो होम लोन मिल रहा है वो 24,13,023 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। अब आपकी जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो लगभग 20,250 रुपये। जैसे ही दोस्तों मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, टेन्योर बढ़ा रहा हूँ, देखिए मैंने 30 साल कर लिया, तो आपका जो इंटरेस्ट, आपका जो होम लोन का एलिजिबिलिटी हो गया लगभग 25,00,000 रुपए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 45,000 है तो आपको मैक्सिमम 25,00,000 का आपको मिल सकता है लोन। अब दोस्तों हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लेना है 25,00,000 का होम लोन,
और आप जो टेन्योर रखते हैं वो 30 साल का रख रहे हैं, यानी कि 25 लाख का लोन 30 साल के लिए रख रहे हैं, और जो इंटरेस्ट है वो मान लीजिए आपको 9% के हिसाब से ब्याज से आपको मिलता है। तो हम 8.5 को यहाँ पे 9 कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपको जो आपको मंथली ईएमआई आ रही है लगभग 20,000 आ रही है, पर यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट अमाउंट जो आप बैंक को दे रहे हैं 25 लाख के ऊपर आप 47,41,000 के ऊपर भी दे रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए कुछ तरीके हैं दोस्तों। मान लीजिए आप ये 30 साल का जो होम लोन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप 20,000 के आसपास ईएमआई पे कर रहे हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ 25 साल कर देता हूँ, तो ये 20,000 बढ़ के लगभग 21,000 के आसपास हो रहा है। तो इसमें ईएमआई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, पर देखिए आपका इंटरेस्ट रेट बहुत घट गया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए पहले ये 47 लाख था, अब जैसे ही मैं इसको टेन्योर को थोड़ा घटा देता हूँ तो आपका जो ईएमआई है लगभग 700-800 का ही डिफरेंस आ रहा है, पर यहाँ पे देखिए 10 लाख रुपये के आसपास का 9-10 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको अगर मैं फिर से और कुछ कमा देता हूँ, मान लीजिए 20 साल कर देता हूँ, तो आपकी जो ईएमआई आ रही है वो लगभग दोस्तों ये आ रही है 22,500 के आसपास, पर आपका जो इंटरेस्ट है कितना घट गया दोस्तों। तो उस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है कि आप जितने कम टाइम के लिए लोन लेंगे आपका कम उतना ज़्यादा कम इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जहाँ पे हम इस इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हैं या फिर मिनिमम कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपका कुछ भी काम कुछ या फिर कुछ भी हेल्प कर रहा है, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।